संधि का मतलब जानते हो तुम लोग? संधि किसे कहते हैं? जोड़। संधि का मतलब है मेल या जोड़, है ना? ये वाला जोड़ दीदी। ये भी जोड़ होता है, लेकिन ये हड्डियों का जोड़ होता है। और आज हम तुम्हें बताएंगे हिंदी में जोड़ कैसे होते हैं। पता है हिंदी जो विषय आप पढ़ते हो ना, उसमें जो शब्द बनते हैं, शब्दों को बनाने के लिए हम कई अक्षरों को, वर्णों को आपस में मिलाते हैं, है ना? तो दो अक्षरों के मेल से जो परिवर्तन होते हैं उसको संधि कहते हैं। आज हम लोग उस संधि के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदी भाषा में होता है। तो संधि किसे कहते हैं? जहां पर दो वर्ण आसपास मिलते हैं और उनके परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो देखिए संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के पास पास होने से उनके परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि जो है, इसी को अगर हम दो अक्षरों से यानी सारे वर्णों के मेल से अगर जुड़कर हम शब्द बनाते हैं, बनता है ना शब्द, और अगर उसे हम अलग अलग करना चाहें तो क्या करेंगे हम? उसको कहते हैं संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तोड़ना, विच्छेद कर देना मतलब अलग कर देना या तोड़ना। तो जब दो स्वर या दो अक्षर आपस में मिलके जुड़ के पूरा शब्द बनाते हैं, तो अगर हम उन दो अक्षरों को आपस में अलग कर देते हैं तो वही क्या कहलाती है? संधि विच्छेद। वर्णमाला सबको पता है? जी। वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताएगा? प्रशांत बताएगा। तीन। कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीन प्रकार के आपके वर्णमाला में अक्षर होते हैं, और अक्षरों के मिलने को ही संधि कहते हैं। तो अक्षर चूंकि तीन प्रकार के होते हैं, इसीलिए हमारी संधियां भी कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की। पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। ठीक है ना? यानी तीन प्रकार के स्वर, तो उसी जितने भी अक्षर होते हैं उसी प्रकार से तीन प्रकार की संधियां हमारी हिंदी में पाई जाती हैं। तो आज हम आपको स्वर संधि के बारे में बताने जा रहे हैं। अच्छा अपने आप बताइए, स्वर संधि का मतलब क्या हुआ? स्वर संधि किसे कहेंगे? दो स्वरों के मेल को स्वर संधि। बिल्कुल, जब दो अक्षरों के मेल को हम संधि कहते हैं तो स्वर संधि में क्या होगा कि दोनों अक्षर क्या होंगे? स्वर होंगे। स्वर अक्षर कौन कौन से होते हैं किसे पता है? चलिए बताइए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बिल्कुल ठीक, ये स्वर होते हैं। और जब इन्हीं स्वर के जो अक्षर हैं, इन्हीं अक्षरों को जब आपस में हम जोड़ते हैं और इनके जुड़ने से जो भी परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं स्वर संधि। क्या कहते हैं? स्वर संधि। दो स्वरों का परस्पर मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब जैसे ये उदाहरण देखो, हिम धन आलय। तो हिम पहला शब्द है, पहले शब्द के अंत में कौन सा स्वर है? अ, आ, और दूसरे शब्द के आरंभ में कौन सा स्वर है? आ। यानी दोनों स्वर जब आपस में मिले तो एक परिवर्तन हो गया, दोनों में बदल के क्या हो गए? दीर्घ आ बन गए, है ना? तो इसी परिवर्तन को, यानी दो स्वर आपस में मिल रहे हैं और दोनों के परिवर्तन जो भी हो रहा है तो उससे हम स्वर संधि कहते हैं। और जब हम संधि की बात करते हैं तो उसमें किस चीज का ध्यान जरूरी होता है कि कम से कम दो शब्द होने चाहिए। और जब किसी चीज को जोड़ते हैं तो क्या होता है? एक चीज का अंतिम सिरा होता है और दूसरी चीज का आरंभिक सिरा होता है। यानी एक जगह अंत हो रहा होता है और दूसरी जगह की शुरुआत हो रही होती है, तभी तो उन्हीं दो सिरों को जोड़ते हैं। उसी तरह संधि में भी दो शब्द होते हैं, एक शब्द का अंतिम अक्षर लेते हैं और दूसरे शब्द का पहला शब्द लेते हैं, अक्षर लेते हैं, ठीक है? और पहला और आखिरी अक्षर मिलकर संधि बनाते हैं। तो स्वर संधि में पहला अक्षर भी स्वर होता है और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होता है वो भी स्वर होता है, और पहले शब्द का अंतिम जो अक्षर होता है वो भी स्वर होता है। तो वहां पर स्वर संधि होती है ना? अब स्वर संधि के प्रकार होते हैं पांच प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? पांच। पहला होता है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयन संधि। और आज हम तुम्हें बताने वाले हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। और इससे बन गई दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व या दीर्घ
आ ई ऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होती है? दीर्घ संधि। जब हम दो समान स्वर आपस में मिल रहे हैं, से आ मिल रहा है, ई से ई मिल रही है, ऊ से ऊ मिल रहा है, तो वो अपना दीर्घ रूप बना लेते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं, बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ा ऊ, है ना, यानी अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं। तो इस परिवर्तन को कहते हैं दीर्घ संधि। आई समझ में? चलो अभी से हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। ये देखो, पहला शब्द लेते हैं देवालय। देवालय में देव धन आलय, क्या है ये? देव धन आलय। और देव पहला शब्द है, पहले शब्द के अंत में कौन सा स्वर है? अ, और आलय के आरंभ में, आलय जो शब्द है, दूसरा शब्द है, इसके आरंभ में कौन सा स्वर है? आ, आ। तो अ और आ यानी दोनों समान स्वर हुए और दोनों ने अपना मिलकर कौन सा रूप बना लिया? अपना दीर्घ, दीर्घ आ बना लिया और बन गया देवालय, है ना, यानी देव में बड़ा की मात्रा जोड़ गई, क्या बन गया? देवालय। तो ये हो गया दीर्घ संधि, है ना। अब इसी तरह देखो दूसरा उदाहरण, गिरिधन ईश। गिरि में, गिरि जो शब्द है उसके अंत में कौन सा स्वर है? दिव्यांशी बताइए। और ईश जो दूसरा शब्द है उसके आरंभ में कौन सा अक्षर है? ई, यानी दीर्घ ई। तो रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बन गए हैं? क्या बन गए? दीर्घ ई बन गए, है ना। तो क्या बन गया? गिरि धन ईश बन गया गिरीश, यानी दो स्वरों, इन दोनों स्वरों के मिलने से उसका रूप बदल के दीर्घ ई हो गया और शब्द क्या बन गया? गिरीश। ठीक है, समझ में आया। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं, भानु धन उदय। भानु कौन सा शब्द है इस उदाहरण में? पहला शब्द कौन सा है? शब्द पूरा बताइए, अक्षर नहीं। भानु, भानु। और दूसरा शब्द क्या है? उदय, उदय। अच्छा, अब साक्षी बताएगी भानु शब्द के अंत में कौन सा स्वर है? उ। और दिव्यांशी बताइए उदय शब्द के अंत में, आरंभ में कौन सा स्वर है? उ। ठीक है, यानी दोनों तरफ ह्रस्व ऊ है और दोनों ने मिलकर अपना कौन सा रूप बनाया? दीर्घ, दीर्घ ऊ, यानी ऊ हो गया। तो शब्द क्या बन गया? भानुदय, भानुदय, यानी ना में कौन सी मात्रा लगेगी? भानुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? भानुदय, भानुदय। ठीक है, गुड़ संधि किसे कहते हैं? जब आ या आ के बाद, यानी आरंभ में कौन रहेगा, पहले शब्द के अंत में कौन सा स्वर आएगा? आ। हमेशा कौन सा स्वर आएगा? आ। नेतृत्व कौन कर रहा है? आ, है ना। तो जब आ या आ का के बाद या आ का ई ई या उ उ या री से मेल होता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ या अर हो जाते हैं। क्या हो जाता है? ए ओ या अर हो जाता है, इसको हम कहते हैं गुड़ संधि, है ना। चलो इसको भी कुछ उदाहरणों के जरिए समझते हैं। अब जैसे ये शब्द है, कौन सा शब्द लिखा हुआ यहाँ पे? नग, नग, नग। धन क्या लिखा देवांशी? इंद्र। नग धन इंद्र, पहले शब्द के अंत में कौन सा स्वर है? अ। और दूसरे शब्द के आरंभ में? तो आ और ई जब आपस में मिले, यानी आ के नेतृत्व में जब ई साथ आया तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? ए, तो परिवर्तन के रूप में ए सामने आया, तो हमारे सामने जो शब्द बना वो क्या बना? नगेंद्र, क्योंकि इसका आ और इसका ई ये दोनों मिल गए हैं और मिल के बन गया है ए, ए। तो गा में मात्रा कौन सी लग गई? ए, ए की, ई की नहीं लगी, क्या बनी? ए की मात्रा लग गई और शब्द बन गया नगेंद्र। समझ में आया? तो नग धन इंद्र, तो ये दोनों स्वर आपस में मिलके ए बनाते हैं और शब्द बन जाता है नगेंद्र। दूसरा उदाहरण देखो, यहाँ पे क्या है? सूर्य, धन उदय। ठीक है, सूर्य के अंत में क्या है अक्षर? आ। उदय के आरंभ में कौन सा अक्षर है? उ। आ और उ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ओ। ओ।
तो सूर्य और उदय मिलकर आपस में शब्द बना देते हैं सूर्योदय, यानी इस ओ की जगह सूर्योदय नहीं हुआ, सूर्योदय हो गया, ओ की मात्रा लग गई, है ना। क्यों होगी? क्योंकि आ और उ मिलकर क्या बन जाते हैं? ओ। समझ में आया? फिर एक है उदाहरण, देव धन ऋषि। देव शब्द के अंत में कौन सा स्वर है? प्रशांत बताइए कौन सा स्वर है देव शब्द के अंत में? आ। ऋषि शब्द के आरंभ में कौन सा स्वर है? री। री स्वर है ना, तो आ और री स्वर आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? अर। अर बना रहे हैं। तो देव और ऋषि शब्द मिलकर बनता है देवर्षि, क्योंकि इसमें वाव जब हलंत इसका स्वर हटा देंगे, आ हट गया तो क्या हो जाएगा? इसमें कोई स्वर नहीं है और इसका री भी हट गया तो यहाँ बचा शी, है ना। तो अर बना, तो ये आ इससे जुड़ गया तो देवपुरा हो गया, यानी देव बन गया। फिर यहाँ पे शी था और आधारा है, तो आधारा कहाँ चढ़ के बैठ जाता है? ऊपर, ऊपर आगे वाले अक्षर के सर पे बैठ जाता है, है ना। तो यहाँ पर देवर्षि हो गया, क्योंकि ये आधारा रा हलंत जो होता है वो अपने आगे वाले अक्षर के ऊपर बैठ जाता है, तो शब्द बन जाता है देवर्षि। इसी तरह उदाहरण होते हैं महर्षि, जैसे महाधन ऋषि महर्षि। अब जैसे हमारे यहाँ देवांशी नाम है ना आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी, अब दिव्यांशी का विच्छेद करो कौन करेगा? हाँ बताइए। धन अंशी। दिव्य धन अंशी, और इसको यानी दिव्य के अंत में कौन सा स्वर है? अ। और अंशी के आरंभ में कौन सा स्वर है? ई। अंशी के आरंभ में आ। आ है ना, छोटा आ हुआ ना, अंशी में आ तो लगा शुरू में, तो दिव्य का आ और अंशी का आ दोनों मिलकर क्या बन गया? आ। 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 तो तुम्हारा नाम हो गया दिव्यांशी। क्या हो गया? दिव्यांशी। तो ये कौन सा उदाहरण हुआ, किस स्वर किस संधि का उदाहरण हुआ? स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सा भेद हुआ? गुण संधि। नहीं, प्लस आ बराबर बड़ा, तो क्या बना? दीर्घ संधि। यानी तुम लोगों को अब संधि समझ में आने लगी ना, आ गई ना। तो आज हमने स्वर संधि में से दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा।